बवारीखेड़ा के क्षेत्र के गांव में सुबह एक बार फिर हरड़ा रोडवेज की बस में छात्रों की आपसी झड़प का मामला सामने आया, जिसके कारण रोडवेज की बस को गांवपुर के बस अड्डे पर ही रोक दिया गया, जिसके कारण छात्रों और ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खचाखच भरी हुई चलती बस में हुई झड़प के बीच बचाव कर रहे परिचालक के साथ भी हाथापाई की गई। बता दें कि गांव कुंगड़ से बवानीखेड़ा जा रही हरड़ा रोडवेज की बस में 2 दिन पहले भी छात्रों के झड़प का मामला सामने आया था, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने मामले पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अब एक बार फिर यह मामला सामने आया है। बहरहाल मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पास टेलीफोन आता है जो हमें पहनी से उन्होंने दीवानी दुवानी खेले दी जाती सुबह, तो स्कूल के बच्चे हैं उनको ऑफिसर में मुलाकात से लेकर गए थे, तो उनमें हमारे पास सूचना आई। मैं तो मौके पर पहुंचा, वहाँ गए थे बच्चे वगैरह कोई थे नहीं, बस खड़ी थी। फिर बस वाले ने पूछा कि कोई दरखास्तवादी या कोई तेरे साथ झगड़ा है, तो बस वाले ने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं, आप सब बच्चे लग रहे। मैंने सोचा कि बस का कोई नुकसान नहीं पता है, इसलिए बस मैंने यहाँ खड़ी कर दी और बच्चों के बारे में पता करा, गाँव से पता किया कि कोई दरखास्तवादी है तो दी नहीं है, अगर कोई कंप्लेंट आई तो पूरी कार्रवाई करें।